तो भाई लोग फिर से आज हम खेलने वाले सिटी स्काईलाइन। और अगर तुमने अभी तक GTA 5 वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, GTA 5 एक्सटेंडेड एंड एनहेंस्ड, ठीक है? और अगर देख ली तो बहुत अच्छी बात है। और भाई लोग पिछली वाली वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल जोन को ग्रो कराया था और थोड़ा सा रेजिडेंशियल जोन के लिए भी इलाका एक्सपेंड कर दिया था। हमने जमीन नहीं बेची थी वहाँ पे, लेकिन ग्रो मतलब इलाका जो है वो बढ़ा दिया था उसका, और इंडस्ट्रियल जोन को भी हमने काफी ज्यादा बड़ा कर दिया था, ठीक है? वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह बनवाई शुरू करी थी। पहले हमने क्या करा, अपने रेजिडेंशियल वाले इलाके के पीछे से सारी इंडस्ट्रीज हटवाई और वहाँ पे ऑफिसेज बनवाए, और अब क्या कहते हैं हम दूसरी जगह पे इंडस्ट्रीज बनवा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज पोल्यूशन करती है और हम चाह रहे हैं कि पोल्यूशन फैले अपने शहर के अंदर ज्यादा, है ना? क्योंकि पोल्यूशन से बीमारी वगैरह होती है, बहुत दिक्कत होती है लोगों को। तो भाई लोग अभी जो है हमने रेजिडेंशियल एरिया की सड़कें सुधार दी हैं, और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा आजू बाजू चार हाईवे हैं एक तरह से, है ना? तो मैं तुम्हें बताता हूँ सीन क्या है इन सब का। तो देखो ये तो हाईवे है मेन वाला, है ना? और क्या कहते हैं ये है रेजिडेंशियल एरिया की नई रोड सिस्टम। कैसे? यहाँ पे ये क्या है, हमने एक रोड ली ऊपर को, ये जैसे जो रेजिडेंशियल एरिया में 6 लेन रोड जा रही थी यहाँ पे, पहले हमने 6 लेन रोड हटा दी, यहाँ से एक रोड ली वन वे रोड ऊपर को, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी रेजिडेंशियल एरिया में। यहाँ से रोड ली ऊपर को ऊपर से उठाई, और क्या कहते हैं यहाँ से ऐसे 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 करके और हमने पूरी निकाल दी। और इसमें क्या करा, हमने जो भी रेजिडेंशियल एरिया से रोड्स आ रही थी उन्हें यहाँ से ऐसा ऊपर उठा के और इधर से जोड़ दिया, ये ऊपर से उठी इधर से जुड़ गई, तो ये सारी की सारी बाहर जाने की रोड है। अगर किसी को अंदर की तरफ आना हो रेजिडेंशियल एरिया के, तो उसके लिए क्या है, यहाँ से ये वाली रोड, यहाँ से अंदर आने का रास्ता तो है ही, इससे ये रोड जोड़ दी, इसे नीचे 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 हमने निकाल दिया इन सब रोड्स के, है ना? इस तरीके से कुछ। और क्या करा हमने, यहाँ पे इसका एग्जिट रख दिया, यहाँ से मतलब गाड़ियाँ अंदर घुस जाओ, तो इस तरह का सिस्टम है अभी कुछ। और भाई लोग अभी हमने क्या कहते हैं, नीचे ऐसे 6 लेन रोड बना रखी है इधर जाने की, इधर से बाहर जाने की 6 लेन रोड है, इधर से अंदर घुसने की 6 लेन रोड है, ठीक है? तो अभी क्या है रेजिडेंशियल एरिया में बिल्कुल भी कंजेशन नहीं होने का, गाड़ी आराम से ऐसे जूप जूप करके अंदर बाहर जाएंगी। और देखो भाई एकदम कोई टेंशन नहीं, एकदम भागी भागी जा रही हैं सारी गाड़ियाँ, ठीक है? और ये जो नीचे की रोड है इसके आजू बाजू हम ज़मीन भी दे सकते हैं लोगों को दुकानें बनाने के लिए। और भाई देखने में हाईवे का सिस्टम तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी महंगे से हाई एंड सिटी में हो, ऊपर हाईवे नीचे हाईवे यहाँ हाईवे वहाँ हाईवे, ठीक है? क्योंकि ऊपर ये हाईवे नीचे क्या कहते हैं इस हाईवे से निकलती हुई जो क्या कहते हैं एंट्रेंस है इंडस्ट्रियल एरिया की वो है, ये रही भाई ये नीचे को जा रही है, ये वाली सड़क हमने ऊपर को बना दी है। तो भाई लोग ये जो बिल्डिंग तुम अभी अपने सामने देख रहे हो ये वाली है ना, ये है भाई एक ग्रैंड मॉल, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा मॉल है, हद से ज़्यादा महंगा। यहाँ पे मतलब कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल और महंगी महंगी चीज़ें मिलती हैं। ये देखो यार डिज़ाइन भी इसका कुछ ऐसा ही है, ऐसा जैसे टूटे हुए क्लोजियम पे थोड़ी सी वो कर दी हो, टेल वेल्स चिपका दी हो, है ना? क्लोजियम ऐसा ही है थोड़ा सा, ऐसा इधर से टूट रखा था और इधर से ऐसा, ये है भाई ग्रैंड मॉल, क्लोजियम का एक हिस्सा उखाड़ के और इधर चिपका दिया खाली, कुछ नहीं करा इन्होंने ग्रैंड मॉल के नाम पे। उसमें भाई लोग आएंगे बहुत ज़्यादा कोई महंगा महंगा सामान खरीदने। और भाई लोग ये जो तुम चीज़ अपने सामने भी देख रहे हो ये बिल्डिंग है ऑब्जर्वेटरी की। यहाँ पे क्या है भाई, इससे लोग बहुत दूर दूर आसमान में स्टार्स और प्लैनेट्स वगैरह को देख सकते हैं, उन पर स्टडी कर सकते हैं, मतलब लोग तो नहीं साइंटिस्ट करेंगे उन पर स्टडी, लेकिन हाँ ये भी काफ़ी सही जगह है। और भाई लोग ये है जो तुम अभी अपने सामने बिल्डिंग देख रहे हो, ये है एक बहुत बड़ी साइंस लेबोरेटरी, ठीक है? और यहाँ पर क्या है, साइंटिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर दुनिया के बारे में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब सारे के सारे साइंटिस्ट होते हैं यहाँ पे, है ना? और चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं दुनिया के बारे में। और भाई लोग ये है एक एक्सपो सेंटर, यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ों की प्रदर्शनी वगैरह लगती है, ठीक है? और लोग उसे देखने आते हैं और ख़रीदते हैं लोग यहाँ सामान, बहुत ही ज़्यादा महंगी महंगी रेयर टाइप चीज़ें की नीलामी वगैरह होती है, उन चीज़ों की प्रदर्शनी लगती है यहाँ पे, लोग मतलब दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा है तो खरीद लो इस टाइप से। और भाई लोग यहाँ पे नदियाँ किनारे हमने बनाया है ये स्टेडियम, यहाँ पे स्टेडियम है यहाँ पे नदियाँ है, तो मतलब ऐसा नदी में झांक सकते हैं स्टेडियम से। और ये भाई क्लोज्ड स्टेडियम है एकदम बंद, ठीक है? यहाँ पे ऐसे जैसे क्रिकेट स्टेडियम होता है ऊपर से खुले छतड़े वाला, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा छतड़ा खुल रखा है बस, तो ये क्रिकेट जितना तो बड़ा भी लगा स्टेडियम देखने में, काफ़ी छोटा है क्रिकेट कंपैरिजन में तो। क्या अच्छा बास्केटबॉल का स्टेडियम है, ठीक है ठीक है। अब भाई क्या कहते हैं NBA यहाँ पे होगा, NBA से लग मुझे किसी टूर्नामेंट का नाम भी नहीं पता, ठीक है? तो NBA कराएंगे यहाँ पे। और भाई लोग ये है मॉडर्न आर्ट म्यूजियम, यहाँ पे क्या कहते हैं जितनी महंगी महंगी सी पेंटिंग होती है वो सब आके रखी जाती हैं, और उनकी क्या कहते हैं बिक्री विक्री होती है इस मॉडर्न आर्ट म्यूजियम के अंदर।
ठीक है भाई, काफ़ी महंगी सी जगह है। और भाई लोग अभी अपने शहर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक और पॉपुलेशन हो रखी है, ये देखो भाई लाइन में लाइन जा रही है गाड़ियाँ लगी लगी, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा भाई बढ़िया हो गया अपना शहर, है ना। इधर भाई हमने काफ़ी सारी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बना दी यहाँ पे भाई, क्या बात है। हाईवे पे देखो यार, और क्या कहते हैं गाड़ियाँ भाई एकदम भर रखी हैं सड़कों पे, भगी भगी जा रही हैं। तो भाई लोग आज वाली वीडियो में बस इतना ही, अगर तुम्हें इस वाली वीडियो में जाए तो पता है तुम्हें क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब एकदम भगी कर देना है, और मिलते हैं अगली वीडियो में।